इस संसार की रचना कैसे हुई। तो भगवान विष्णु की नाभि से निकली कमलनाल, उस कमलनाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब जैसे ही ब्रह्मा जी कमलनाल के बाहर आए तो चारों तरफ देखा तो कुछ समझ नहीं आया। चारों तरफ देखने के कारण चतुरानन हो गए, चार मुखों वाले। फिर भीतर कमलनाल में फिर से प्रवेश किया तो सोच रहे थे क्या करूं, इसलिए एक शब्द सुनाई दिया, तप। तो ब्रह्मा जी ने किया तप। ब्रह्मा जी को जब का तप, ब्रह्मा जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाएं। तब पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले संकल्प सृष्टि की रचना की। संकल्प सृष्टि से ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन जब ये चारों आए तो आते ही ये चल दिए जंगल। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ हम चले जंगल तपस्या करने। ब्रह्मा जी को लगा कि तुमको तपस्या करने के लिए थोड़ी बुलाया है, सृष्टि के क्रम में मेरी सहायता करो, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। पर सनत कुमारों ने हाथ खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ मेरे पुत्र ही मेरी बात नहीं मान रहे। तब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से क्रोध के कारण भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। संकल्प सृष्टि से चार पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने बात नहीं मानी ब्रह्मा जी की, क्रोध आया, क्रोध से भ्रकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। तब भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना। भगवान रुद्र ने सृष्टि की रचना की तो ऐसी भयानक रचना की कि भूत, प्रेत, पिशाच, साकनी, डाकनी, योगिनी, चुड़ैल, राक्षस सब बना डाले। ब्रह्मा जी से पूछा ठीक। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसी सृष्टि तो पैदा होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, आप रहन दो प्रभु। भगवान शंकर यही तो चाह रहे थे। भगवान भोलेनाथ चले गए कैलाश और कैलाश में जाकर के भजन में हो गए मस्त और ब्रह्मा जी हो गए फिर से व्यस्त। अब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की तो मानसिक सृष्टि की रचना से ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दिन में से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरह, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष, देवर्षि, नारद इत्यादि 10 पुत्र की उत्पत्ति हुई है मन से, मानसिक। फिर ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी की छाया से महर्षि कर्दम की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये मिलके संसार की रचना करेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने संसार की रचना में कोई भी योगदान नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी को लगा कि अब मुझे मैथुन सृष्टि की रचना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, वामांग से देवी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। संसार के प्रथम पहले स्त्री और पुरुष कहलाते हैं महाराज मनु और महारानी शतरूपा। आज हमको इतिहास में कुछ और पढ़ाया जाता है लेकिन वो सब पता नहीं सही है गलत, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं कि स्त्री, संसार के पहले स्त्री और पुरुष ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु, वामांग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई और इन दोनों ने संसार के सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। इसलिए हम सब मनु की संतान कहलाते हैं, मनु की संतान है मानव कहलाते हैं। मनु महाराज ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं और वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हे धाम्य बभूविरे सचापि शतरूपायां पंचापत्यान यजीजनत। महाराज मनु और महारानी शतरूपा से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई है जिनमें से 3 पुत्रियां हैं आकृति, देवहूति, प्रसूति।
आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। तो तीन पुत्रियां दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो मनु महाराज ने जब देखा कि संतान बड़ी हो गई है तो माता पिता ने अपने धर्म का पालन किया, बेटियों का विवाह किया। आकृति व्याही गई रुचि को, देवहूति व्याही गई कर्दम को, कर्दम और देवहूति से नौ कन्याओं की प्राप्ति हुई, नौ कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कर्दम और देवहूति की नौ कन्याओं का विवाह करा दिया गया ब्रह्मा जी के नौ मानस पुत्रों से। हुए दस थे लेकिन विवाह कराया नौ का, क्योंकि जब कपिल देव भगवान आए तो ब्रह्मा जी अपने नौ पुत्रों को लेके भगवान कपिल का दर्शन करने गए। उस समय नारद जी कहीं घूमने चले गए थे तो वो जा नहीं पाए, इसलिए इन नौ का विवाह उनकी नौ बेटियों से हुआ। नारद जी तब भी घूम रहे थे तो आज तक घूम ही रहे हैं, तब विवाह नहीं हुआ तो आज तक नहीं हुआ। तो कर्दम और देवहूति की नौ बेटियां, भगवान के अंश कलावतार श्री कपिल देव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। कपिल देव जी के आते ही कर्दम ऋषि पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। यहाँ कपिल देव जी महाराज ने सांख्य शास्त्र की रचना करके अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया है भागवत जी में, जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं।